अच्छा इसका एक तरीका मैं तो एक ले रहा हूँ कंडक्टर, आपने एवरेज ले रही है तीन कंडक्टर या दो या तीन रीडिंग लेके ना उसकी एवरेज ले रही है, ठीक है, एक से एवरेज ज्यादा होगा तीन ले लेंगे तो जरा थोड़ी जो चेंज आएगी उससे आपको मरीज जो है वो ये थिम्बल इसको आपने जो नहीं करना समझ आ रही है कंडक्टर को सीधा रखना कंडक्टर टेढ़ा होगा ना तो वो भी फिर उसको फिक्स नहीं करना नीचे एक लाइन 0.5 होगी। अच्छा इधर क्या लाइन जो सर्कल स्केल की कौन सी लाइन जो है वो उसके साथ हम मैच कर देंगे 21 ठीक है तो 21 को 0.01 इसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया कितना आया 0.21 और 0.5 0.71 वही 0.71 आया ठीक है तो 0.71 आना तो ये 0.08 आ रहा है 22 नंबर ये 7 29 ये 3 है स्टैंड 3 29 होगी ठीक है तो इस तरीके से आप इसको केबल का साइज आपको केबल नेक्स्ट टाइम कोई मतलब कोई दे दे आपको साइज निकाले अच्छा इसका एरिया भी निकालना है कैसे निकालेंगे देखिए इसका आया पॉइंट कितना आया था 0.71 इसको हाफ करें इसका डिवाइड करें रेडियस निकालें इसका 0.3 इसको इसी से मल्टीप्लाई करें पाई आर स्क्वायर या मल्टीप्लाई टू कर लें मल्टीप्लाई टू नहीं करेंगे इसी को इसके पॉइंट 1 2 6 को पाई से मल्टीप्लाई करें 3 पाई से मल्टीप्लाई कर दिए। अच्छा इसको आप इसके देखें तीन स्टैंड है ना इसके स्टैंड 3 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करें आंसर 1.18 स्क्वायर की केबल सही है तो इस तरीके से आप निकालेंगे ठीक है ये तरीका आप बता रही है बाकी एरर है इसमें बाकी कैलिपर जो है वो डिजिटल भी आते हैं जिसके ऊपर डिजिटल डिस्प्ले होता है महंगा आता है तो ये भी तरीका है क्योंकि इससे थोड़ा महंगा है अगर ये 2000 का आ रहा है इसका डिजिटल 3000 का होगा ये उसका 4000 का होगा और इसी तरह ये जो है छोटा सा टूल अगर आप रखें इसके साथ एक दफा टैली करके देख ले कितना एरर है आखिर में एक दफा आपको याद रहेगा क्योंकि सबसे एक्यूरेट भी है तो एक दफा करके देख ले इसमें जो एरर है उसको देन में रखें माइनस करना है प्लस ये टूल 200 रुपए का एरर जेपी में रखे बोझ में ठीक है चलते अच्छा ये हो गया अब हमसे नेक्स्ट करना है जनाब ड्रिल मशीन की जो है ना वो उसको करके दिखा दे बाकी सारे फिर उसको करेंगे तो ड्रिल मशीन वाले भाई आ रहे हैं। अच्छा इसमें बिट्स नहीं मिली आपको अच्छा ये जो बिट है बिट्स डिफरेंट होती है इसमें ये इस वक्त कंक्रीट की बिट है ठीक है कंक्रीट में सॉल्व करने के लिए दीवार है या सड़क करने के लिए है इस बिट को आप चेंज करेंगे इस बिट को अगर चेंज करेंगे तो लकड़ी में या जो होती है ये अच्छा ये जो साइज है ना आप उसका निकाल सकते हैं ये जो चादर नहीं होती चादर कहते मैंने 16 चादर लगाई है 18 लगाई कहते ना कहाँ यूज होती है शेड्स में यूज होती है और क्या सर वो जस्ट चादर आपने जिस तरह ये फॉर एग्जाम्पल ये है तो वो कहते हैं ये मेरी चादर जो है वो 18 नंबर है तो आप जस्ट इसको ये करें इसके अंदर डाल के देखें चादर यार क्या शीट कहते हैं दूसरा नाम क्या है दुपट्टा ये देखिए ये मैं इसको अगर इसके अंदर डालूं आपने अंदर से देख लेना कोई इस तरह की मटेरियल क्या ये देखें ये 24 नंबर में 25 में नहीं जा रही 24 में भी थोड़ी मुश्किल ही है 23 वाली ठीक है 23 में चली गई इसका मतलब इसका साइज जो है वो क्या होगा जिस तरह वायर का साइज निकाल सकते हैं तो ये भी आप निकाल सकते हैं तो चादर जितनी उसका साइज जो है ना छोटा होगा या मतलब वो कहेगा 18 नंबर लगाई है एक बंदा कहेगा मैंने 16 नंबर लगाई है 16 नंबर वाली महंगी होगी डेफिनेटली उसकी उसका साइज ज्यादा हो जाएगा तो इसलिए वो आपको 18 नंबर लगा के 16 नंबर का कह गया 18 नंबर लगा दे तो आप इससे चेक करेंगे ठीक है।
अच्छा अब हमें क्या करना है, ये हमें चलानी है, ठीक है, इसको पकड़े, पकड़ के चलाएं, पीछे से स्टार्ट करना है, यहाँ देखिए आपके इसके बाद इसको इसको आपने हाथ ही लगाना है, करंट आ रहा है, ठीक है, इसको करंट आ रहा है, हाथ ही लगाना, इसको नहीं आप लगाना, ठीक है, लिखा ये देखिए किस तरीके से कनेक्शन ऐसे किए हमने और पीछे टेप भी लगाई है, बड़े अच्छे तरीके से किए हैं, इसके बैठ जाता है काशिप को, काशिप के लिए ग्रैंड करें। अच्छा आप देखें तो ये जो आप दे इसी तरीके से कनेक्शन आपने खुद भी कर लिया, ठीक है, ये काशिप आपको देखेंगे और ये उतारेंगे इस तरह और कहेंगे इस तरह कर देंगे, हर बच्चे इस तरह कर दे ताकि आपस में शार्ट ना हो, टेप एक्स्ट्रा लगाई है, टेप ना भी लगाए तो ये उतरेगा नहीं, ठीक है, और फिर टेप लगा के देखिए बड़े अच्छे तरीके से इसको कर दिया है, इसमें आपको स्पार्किंग का या शॉर्ट सर्किट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इसी तरीके से आपने करना है, टेप यही यूज करनी है, एक्स्ट्रा सारी जाए, ठीक है, यही बस उतारनी है और इसी को लगाना है और तो ये आ गया, ठीक, अब इसके फ्रंट है इसमें तो हम चेक भी कर लेते हैं, टेस्टर वाला काम गया मतलब, तो इसमें लाइन कौन सी है चेक करनी है, साथ ही इसको इनको करवा देना, ठीक है, आप देखें भैया ये लाइन है सब, ठीक है, ये लाइट ऑन हो रही है, इसमें नहीं हो रही, ये न्यूट्रल है, ये लाइन है, ठीक है, तो न्यूट्रल भी डेंजरस हो सकती है, इसमें वोल्टेज हो सकते हैं, ठीक है, तो कम होते हैं लेकिन कुछ जगह पे अगर ये ग्राउंड ना हो तो ज्यादा भी उसके न्यूट्रल जो है ना वो ये नहीं कह सकते कि सेफ है, ठीक है, अच्छा ये लाइव है, ठीक हो गया, तो ये लाइव आपने चेक कर ली, इनको कौन सी लाइव है, ठीक है, तो एक तार लग रही है, ठीक है, सही है, अब हमने इसको इधर लगा दिया, पीछे से स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करने के बाद मेन स्विच हमारा मेन जो पैनल है